इस देश में लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ही हाशिए पर नहीं रहे हैं, महिलाएं भी राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से हाशिए पर रही हैं। और जब भी पेट्रियार्की हो या निरंकुश शासक हो या जब भी फंडामेंटलिज्म आगे बढ़ता है तो महिलाएं सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। लेकिन इस बार अद्भुत हो रहा है, महिलाओं ने खुद झंडा उठाया है और पूरे देश में वो यात्रा निकाल रही हैं सरकार के खिलाफ, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ और किसी भी तरह के डिक्टेटरशिप के खिलाफ। और उसका नारा दिया है उन्होंने बातें अमन की, ये मेरे साथ पोस्टर है और देश भर में रैली हुई है, ये कवर मैंने किया था। शबनम हाशमी जी ने जिन्होंने इसको रचा और वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगभग 3 महीना हो गया होगा मैं, और उसके बाद जब बस दिल्ली से रवाना हुई तो क्या रिस्पॉन्स है, यात्रा कहाँ कहाँ पहुँची है, इसी पर बात करेंगे। मैम शुक्रिया निशा दस्तक से बात करने के लिए। कहाँ कहाँ आपका कारवा अभी तक पहुँच चुका है? देखिए ये 5 कारवां 20 सितंबर को शुरू हुए थे, एक दिल्ली से शुरू हुआ था, एक केरल से, एक तमिलनाडु से, एक कश्मीर से और एक आसाम से। तो मैं केरल वाले के साथ ट्रैवल कर रही थी, कल आई हूँ मैं सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली। तो केरल वाला कारवां अब पूरा केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र क्रॉस करके कल गुजरात में एंटर कर गया है। अच्छा, गुजरात में? जी गुजरात। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो उसी कारवा की है और महिलाओं का कारवा है ये। मैम कितने महिलाओं की टीम है? ये टोटल 100 के करीब महिलाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में जा रही हैं, अलग अलग कारवाओं के साथ है। और सारे कारवां जो हैं, अब 16वां दिन खत्म हो गया है कारवाओं का, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। टोटल 200 से ज़्यादा शहर और गांव कवर करता हुआ ये कारवां और 500 से अधिक कार्यक्रम करते हुए ये 13 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगा और 13 अक्टूबर को दिल्ली में इसका कल्मिनेशन होगा पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हुई है, बड़े राज्यों से, यहाँ से 5 राज्यों में चुनाव है, नॉर्थ ईस्ट में भी आपका कारवा जा रहा है, क्या इन राज्यों में कैसा रिस्पॉन्स रहा या अभी बाकी है? राजस्थान अभी कारवा एंटर करेगा, अभी नहीं हुआ है। राजस्थान में बांसवाड़ा से एंटर करेगा 9 तारीख को और छत्तीसगढ़ में आज शाम को एंटर कर रहा है कारवा। नॉर्थ ईस्ट में पूरा आसाम का जो है वो ट्रैवल कर चुका है। रिस्पॉन्स जहाँ भी है कारवा वहाँ बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में भी आज जबलपुर में कारवा पहुंचा है, रिस्पॉन्स बहुत, हमने जो सोचा था जैसा रिस्पॉन्स होगा उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने सोचा था कि 5 कारवां निकल रहे हैं लोगों तक पहुंचेंगे, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हर शहर में सैकड़ों लोग आएंगे और दसियों ग्रुप, मतलब हर जगह पे 10, 15, 20, 25 ग्रुप जो है उन्होंने साथ मिलके, एक चीज़ होता है आइडिया को पसंद करना, दूसरा होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हर शहर के अंदर लोकल ग्रुप्स, रहने का, खाने का इंतजाम पूरा और जितने कार्यक्रम हैं उनका पूरे जिम्मेदारी करके। और आप केरला से दिल्ली आए हैं जी, आपका निजी अनुभव कैसा रहा? लोगों में बेचैनी है, लोगों में महंगाई के खिलाफ या जो 15 लाख का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो और खासकर वुमेन सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि सबसे अनसेफ जगह हो गया है भारत जी, लोगों में बहुत बेचैनी है। लेकिन यहाँ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये शायद पहली बार हो रहा है कि औरतें निकली हैं 5 कारवां लेके, औरतों के मुद्दों पे कम बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं राजनीति की, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, हम बात कर रहे हैं अपने संविधान को बचाने की और हम बात कर रहे हैं नई पीढ़ी के लिए उनका जो रहने का, अपनी तरह रहने का हक है उसको बचाने की, और हिंसा के खिलाफ और नफरत के खिलाफ, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। नौजवानों का मुद्दा भी एक मेन मुद्दा है, जहाँ पे वो क्या, कैसे जीना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं और किससे मोहब्बत करना चाहते हैं, उनके हक को बचाने के लिए भी ये कारवां आवाज़ उठा रहा है सब तरफ। साथ साथ में महिलाओं के बारे में भी बात हो रही है, हर जगह बेचैनी है, लोग इससे परेशान हैं कि हमारा संविधान जो हमको एक बराबरी का हक देता है उस पर आज हमला है। लोग जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपील की है उसके बारे में भी बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की। और जो महिलाओं पे जिस तरह के गैंगरेप्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत बेचैनी है। डीमोनेटाइजेशन का भी प्रश्न बहुत जगह उठा है, GST का भी उठा है। ऐसे इलाके जहाँ किसानों के इलाके नहीं है लेकिन उसके बावजूद किसान की अखबारों में भरी हुई थी, आपकी खबर, खबरें तकरीबन सारे अखबारों में भरी हुई हैं। जिस तरह के लखनऊ के अखबारों में, फैज़ाबाद के, प्रतापगढ़ के, केरल, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश सब जगह, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, हर जगह लोकल अखबारों में खबरें भरी हुई हैं, लोकल चैनल्स पे भी बहुत जगह दिखाया गया है, लेकिन नेशनल न्यूज़ जो है अभी एक टीवी 18 जो है नेटवर्क, उसमें एक ऑनलाइन बहुत अच्छी खबर आई है, और भी जगह आ रही हैं खबरें, लेकिन जिस तरह से इसको उठाना चाहिए था नेशनल नेटवर्क्स को, वो अभी नहीं उठा है। तो देखिए, बेंगलुरु और हुबली, ये तमाम बड़े, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में गई हैं आप जी, ये सारा आप करके मतलब पालनपुर और दिल्ली आप पहुंची हैं, भुज, गांधीनगर। नहीं, मैं सिर्फ बीच में 2 दिन छोड़ के कारवां को आई हूँ। अभी कारवां जिसमें मैं ट्रेवल कर रही थी, वो कारवां आज अभी भरूच पहुंचा है। वो जी सूरत, पहले उसने सोनगढ़ का ट्राइबल इलाका पूरा कवर किया, फिर सूरत, उसके बाद कीम एक जगह है, सूरत और भरूच के, अब भरूच पहुंचने वाला है कारवां, या पहुंच चुका होगा। जो मोदी ने जो एक सब्ज बाग दिखाया था, जिन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, जो मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह का एक जो ऑरा रचा था, क्या इस पर बात हुई, क्या लग रहा है? क्योंकि अगर महिलाएं भी इस चीज को समझने लगे तो नहीं, इस पे बात हो रही है। जो ज़मीन पे जो लोगों को परेशानी है, जो महंगाई के हाल है, इन सारी चीज़ों पे बात हो रही है। बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी, एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एक पुणे की एक यूनिवर्सिटी में हमारे साथ एक गुजरात की महिला है, वो ज़मीन पे काम करती, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए कि हमारे गाँव में आज भी बिजली नहीं है। तो उसके ऊपर ये प्रश्न पूछे गए कि आप ये कह रही हैं कि बिजली नहीं है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बहुत डेवलप्ड है गुजरात, तो ऐसे सारे प्रश्न भी हो रहे हैं। और जो हमारे, हम जिन मेन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, वो उन मुद्दों पे भी बहुत जम के बातचीत हो रही है हर जगह पे, और हर जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कई जगह पे मतलब सिर्फ ऑडियंस में सिर्फ औरतें नहीं हैं, वहाँ पे औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, यात्रा में ज़्यादातर मेनली महिलाएँ जा रही हैं। तो इन सारे मुद्दों पर बात, आप लंबे समय से सोशल वर्क में हैं, लोगों को देख रही है, एक नाराजगी है लोगों में, क्या लग रहा है? बाय द कास्ट, बाय द रिलीजन, उन सबसे ऊपर उठ के लोगों को नाराजगी, लोगों में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है, और बहुत नाराजगी। अगर नहीं होती तो इतना रिस्पॉन्स हमको मिलता ही नहीं, क्योंकि हम मेनली जो हम कह रहे हैं बातें अमन की, हम जो चाह रहे हैं कि नफरत के बदले लोग प्यार मोहब्बत की बात करें, और उसमें लोग उमड़ के आ रहे हैं। तो लोगों में नाराज़गी तो है, और हर जगह ये प्रश्न हो रहे हैं कि जो कुछ कहा गया था वो ज़मीन पे नहीं उतारा गया है, जो प्रॉमिसेस किए गए थे उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ गरीबी भी दिखाई दे रही है। अभी जैसे एक कारवां जो है वो मोतिहारी में था, आज वो सुबह बिहार के और जगहों पर है, तो वहाँ से जो फोटोग्राफ्स आ रही हैं वो दिख रहा है कि गुर्बत है, और गरीबी जो है वो जो कहा गया था कि हम मिटा देंगे और ये कर देंगे, वो कहीं पे ऐसा हो नहीं रहा है कि वो हटा दी गई। तो ये समापन इसका दिल्ली में कर रहे हैं आप? समापन 13 अक्टूबर को समापन दिल्ली के अंदर है। सुबह का जो कार्यक्रम है वो, क्योंकि ये पांचों यात्राएं में जो महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं वो अलग अलग जगह है, हम ये पांचों कारवां भी एक दूसरे से मिले नहीं है, तो सुबह आधे दिन का हम एक शेयरिंग का पूरा 2 घंटे का टाइम रखेंगे, जब एक दूसरे से हम बातचीत कर सकें और आगे की प्लानिंग कर सकें, क्योंकि 200 शहरों में कार्यक्रम हुआ है, तो 200 शहरों में नेटवर्क भी साथ जुड़े हैं, तो इसको आगे हम कैसे लेके जाएंगे कारवां ख़त्म होने के बाद, बातें अमन की के बाद। और दोपहर को एक कार्यक्रम की रूपरेखा आज बनेगी, एक्चुअली आज प्लानिंग मीटिंग है, लेकिन जो पहले बात हुई थी कारवां निकलने से पहले वो यही हुई थी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक पब्लिक मीटिंग की जाएगी, उसमें सारे कारवां के सदस्य भी अपनी बात। 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर इसी महीने दोपहर 13 अक्टूबर को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जो पूरे देश से जो कारवां निकला था, 4 रीजन में लोग निकले थे और पांच जगहों से, और इन्होंने कोशिश की थी कि पूरे देश को नापा जाए, हालात समझे जाए, लोगों के मन में क्या चल रहा है वो समझा जाए, और उसका अगर मुकम्मल तस्वीर आप देखना चाहते हैं तो 13 अक्टूबर को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आइए, और ये पूरी तरह से महिलाओं ने अपने कदम बढ़ाए हैं, और वो साफ साफ कह रही हैं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। शुक्रिया, मैं एक बार फिर हमसे बात जी, शुक्रिया। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।